हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार आज इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई पुष्पा वर्सेस केजीएफ। बुच्ची बाबूसेना नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। ये है डायरेक्टर उपेन्ना मूवी के और इनकी सुकुमार के साथ बहुत ही अच्छी बनती है। और सुकुमार सर ने इनको पुष्पा मूवी पहले दिखाई थी। जब बुच्ची बाबू ने पुष्पा मूवी को देखा था तो उन्होंने कहा था कि पुष्पा के जो एलिवेशन के सीन्स है वो 10 केजीएफ को मिला लेंगे तो उस लेवल के बनते हैं एक पुष्पा में। तो बहुत सारे फैंस खुश हो गए थे, यानी कि जो पुष्पा मूवी के जो फैंस थे, यानी कि जो अल्लू अर्जुन के फैंस थे, वो नौवे आसमान पे चले गए थे। लेकिन जो केजीएफ के फैन थे वो काफ़ी हद तक नाराज हो गए थे। उनके दिल में ये बात हो गई थी कि भाई चलो अब तो देखना ही पड़ेगा कि भाई केजीएफ के लेवल के सीन्स बताए, इवन 10 केजीएफ के सीन्स को मिला देंगे तब जाके पुष्पा का वो सीन्स बनेंगे। तो इस वजह से नाराज भी थे और वो लोग भी एक्साइटेड कि भाई कुछ तो ऐसा बनाया होगा, जब भी तो बुच्ची बाबू सना ऐसा बोल रहे। लेकिन अब जब पुष्पा मूवी रिलीज हुई तो सबको समझ में आ गया कि पुष्पा मूवी एक अच्छी मूवी है, लेकिन ये वैसी ही मूवी जैसी साउथ की मैक्सिमम मूवीज़ होती है। मैं आपको बता दूं कि साउथ की कोई भी आप लैंग्वेज की मूवीज़ देख लो, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो है एंटरटेनमेंट। और साउथ वाले कभी भी आपको इसमें निराश नहीं करते। लेकिन अगर पुष्पा मूवी की बात करें जिसकी उन लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट की, तो इतना बोल बचन दिया इस मूवी को लेकर और उसकी कहानी इतनी सिंपल इतनी टिपिकल हो तो वो मज़ा नहीं आता। उसके अलावा मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको इजीली डिलीट किया जा सकता था, मतलब वो एंगल ना भी रखते तो चलता। मैं यहाँ पर रश्मिका मंडाना और अल्लू अर्जुन के बीच के सीन्स की बात कर रहा हूँ। और अभी जो अपडेट निकल कर आई है उसमें ये भी साफ समझ में आ रहा है कि मेकर्स को समझ में आ गया कि ऑडियंस ने वो सारे सीन्स को पसंद नहीं किया रश्मिका के, तो इसलिए मेकर्स ने डिसाइड किया कि उनके सारे सीन्स, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसको वो लोग ट्रिम करके दोबारा से थिएटर में डालेंगे। यानी कि आज 20 तारीख है शायद, तो आज से थिएटर में जो वर्जन चलेगा वो शायद ट्रिम किया हुआ चलेगा। इतनी अपडेट निकल कर आई, अभी अपडेट कितनी सही है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे पुष्पा को ही फ़ायदा होगा क्योंकि ऑडियंस वो सारे सीन्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें कर रही है। प्लस वो सारे सीन्स इस मूवी को 3 घंटे बना रहे, जबकि ये मूवी 3 घंटे नहीं बल्कि मेरे हिसाब से अगर 2.5 घंटे की होती तो सच में अच्छी होती थी। आपको क्या लगता है पुष्पा मूवी के सीन्स और प्लस केजीएफ के सीन्स को लेकर कौन से मूवी में सीन्स ज़्यादा बेटर थे और कौन सी मूवी के सीन्स उस पर्टिकुलर मूवी को एलिवेशन ज़्यादा दिए, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो केजीएफ के बारे में ये वीडियो नहीं था, वरना इस वीडियो में केजीएफ के बारे में बहुत कुछ बातें करते, ये वीडियो पुष्पा के बारे में था, केजीएफ के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।